और चीन से तनातनी के बीच अमेरिकी नेवी का बहुत बड़ा एक्शन। अमेरिकी नेवी ने ताइवान स्ट्रेट में डिस्ट्रॉयर उतार दिया है। साउथ चाइना सी में चीन युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान स्ट्रेट में यूएस नेवी के एक्शन से चीन तिलमिला गया है। चीन का आरोप है कि शांति भंग करना चाहता है अमेरिका। साउथ चाइना सी में चीन की हेकड़ी काम नहीं आई। अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में घुसकर ललकार लगाई। चीन ने ताइवान के मसले पर अमेरिका को आंख दिखाने के लिए साउथ चाइना सी में 3 दिन के वॉर एक्सरसाइज का ऐलान किया। आज तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास के जरिए साउथ चाइना सी में दूसरे मुल्कों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई, आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित किया। सब कुछ तय मानकों के मुताबिक किया, लेकिन अकड़ के साथ किया। लेकिन अमेरिका ने सारी अकड़ एक झटके में निकाल दी। अमेरिका ने अपना विध्वंसक यूएसएस बेनफोल्ड ताइवान स्ट्रेट में उतार दिया। ये ताइवान स्ट्रेट उसी साउथ चाइना सी का हिस्सा है जिसमें चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर घुसा तो चीन का सरकारी भौंपू ऑन हो गया। चीनी सेना के पूर्वी थिएटर कमांड के हवाले से चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अमेरिका का ये कदम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो शांति और स्थिरता को विध्वंस करना चाहता है और ताइवान स्ट्रेट के लिए एक खतरा है। ये चीन की खीज है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर उसने अभी अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाया तो मुसीबत में फंस सकता है, क्योंकि जिस रूस से उसे मदद की उम्मीद है वो खुद यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। और चीन अमेरिका युद्ध की आशंकाओं के बीच वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा दावा, अमेरिका से जंग में नहीं जीत पाएगा चीन, ये कहा एक्सपर्ट्स ने। एक्सपर्ट्स का दावा, चीन की सेना को करना होगा रसद संकट का सामना। सेंट्रलाइज्ड है चीन की मिलिट्री का लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चीन की सेना तक रसद पहुंचने में वक्त लगेगा, ये कहा एक्सपर्ट्स ने। ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका के बीच जंग के आसार हैं। जंग कब होगी ये चीन के एक्शन से तय होगा, लेकिन इतना तो तय है कि चीन अगर अमेरिका से टकराएगा तो पुर्जा बिखर जाएगा, क्योंकि युद्ध के दौरान उसे रसद की घनघोर कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह है चीन का सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी केंद्रीकृत रसद वितरण प्रणाली। वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते चीन की सेना तक रसद पहुंचने में इतना समय लगेगा कि जंग का परिणाम उसके खिलाफ हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी युद्ध में समय पर रसद की सप्लाई सबसे अहम होती है, लेकिन चीन का सिस्टम ऐसा है जो सैनिकों तक मदद पहुंचाने में काफी वक्त लेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग के सीनियर एनालिस्ट जोशुआ अरोस्टेगुई और दूसरे सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के पास जवानों की संख्या बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉजिस्टिक गैप्स के चलते पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लड़ने की क्षमता आधी रह जाएगी, जिसका नतीजा होगा ऐसी पराजय जिसकी मिसाल ढूंढे नहीं मिलेगी।